ऑल डायरेक्टर्स प्लीज़। ये तकरीबन 2-3 हफ्तों से मैं ये मुझे नहीं मिल रही रिपोर्ट जो एक्शन अगेंस्ट एब्सकॉन्डर की हमारी मुहिम चल रही है उसकी मुझे कोई रिपोर्ट नहीं मिल रही। आज कोर्ट में मैटर था और वो फिर एडजर्न हो गया है अगले हफ्ते तक। आज मेरे पास 0 केसेस थे जो मैं बताता कि हम इतने लोगों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, ले चुके हैं। आपसे गुजारिश है कि इस हफ्ते कुछ केसेस को आप फाइनलाइज करें और बाय फ्राइडे, लेटेस्ट बाय फ्राइडे मुझे आप रिपोर्ट और आर्डर भेज दें। और ब्राय मेहरबानी मुझे पुराने आर्डर्स ना भेजें। आप लोग बार बार मुझे वही आर्डर भेज देते हैं जो आपने पहले भेजे थे और वो हम एक एक करके बैठ के फिर उसको अलग करते हैं और बार बार मेहनत करनी पड़ती है। या आप अपने स्टाफ को लगाएं जो नए केसेस हैं जो पहले आप भेज चुके हैं वो दोबारा ब्राय मेहरबानी हमें ना भेजें। और इस हफ्ते की एंड तक आप देखें आपके पास बहुत पेंडेंसी हो गई है। और दूसरी बात ये कि जब आप पर्सनल हियरिंग करते हैं तो कॉल करें उस डिस्ट्रिक्ट के सीएमओ को। इस केस में आप जज हैं तो सीएमओ जो है वो फरियादी है। आप फरियादी को सुने बगैर किस तरह से फैसला कर सकते हैं? फरियादी का होना ज़रूरी है और अगर बगैर फरियादी के कोई केस होगा तो फिर मैं वापस कर दूंगा। और तीसरी बात ये कि आप लोग एडमिट कर रहे हैं तो हाँ यू एडमिट कर पाया चौथ था थी गिल्ट फाउंड गिल्टी उन्हें के तहत सिर्फ सेंसियर जी सजा लगाया पाया जेकर एकड़ो मानू 3 साल तई एब्सेंट आए एब्सकॉन्डर आए उन्हें के सिर्फ वार्निंग दियो पाया तो यो काबिल कबूल ना है। सजा हमेशा उतरी होंगी है जितरो जुर्म होंद है। ठीक है तुम उन्हें खड़ी थोड़ो उणी भी घट सजा दे सको था पर सेंसियर इज नॉट एक्सेप्टेड। जेके भी तहां सेंसियर जा केसेस के हैं मां वे तहां के वापस मोकलियां उन्हें के तहां बीहर हियरिंग कंदो बीहर तहां उन्हें जो मुखे बुधाइंदो या जे कदा तहां चो था तो उन जो को डो कोने सफा सेंसियर जेत्रो नंडो डो थस उन जा रीजन लिखो। जेके आर्डर आउं दिसा पियो उन आर्डर्स में को रीजन लिखल ही ना है। तहां के सजा दियो पिया तब उन जो रीजन लिखो ए जे कदा तहां के सजा न पिया दियो तब उन जो रीजन लिखो। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट नाउ एंड दिस मैटर विल बी प्लेस्ड बिफोर जनाब चीफ जस्टिस इन हाई कोर्ट ऑन मंडे। सो आई नीड दिस रिपोर्ट लेटेस्ट बाय सैटरडे। थैंक्स ऑल डायरेक्टर्स।